सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। भारत ने अपने दूतकार नूं अस्थाई तौर उत्ते यूक्रेन तों पोलैंड विच ट्रांसफर करन दा फैसला किया है। फैसला युद्धग्रस्त यूक्रेन विच विगड़दी सुरक्षा स्थिति दे मद्देनज़र लिया गया। भारत ने हाल ही के दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव अते होर वड्डे शहरां विच रूसी हमलों के तेज होण दे मद्देनज़र अपना दूतकार पोलैंड विच ट्रांसफर करन दा फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले समय में घटनाक्रम के अनुसार दोबारा हालत की समीक्षा की जाएगी। जिक्रयोग है कि रूस से यूक्रेन विचाले चल रहे युद्ध 18 दिन बीत चुके हैं। हालात सुधरन की बजाय होर गंभीर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की कमेटी की बैठक में देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में रूस से यूक्रेन के हमले के बाद पैदा हुई स्थिति के मद्देनज़र मौजूदा ग्लोबल दृश्य उत्ते चर्चा की गई। अधिकारित सूत्रों अनुसार मोदी की प्रधानगी में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज़ा घटनाक्रम से सरहदी खेतर समुद्री और हवाई खेतर में देश की सुरक्षा तैयारियों से जाणू करवाया गया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से संबंधित ताज़ा घटनावां की जानकारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि यूक्रेन के शहर खारकीव में मारे गए नवीन की मृतक देह वतन वापस लियाने हर संभव कोशिश की जाए। यूक्रेन रूस जंग ने 25 लाख लोगों शरणार्थी बना दिता है। यूक्रेन के लोग गुआढ़ी मुल्कों में पलायन कर रहे हैं। ग्लोबल गैर सरकारी संगठन यूनाइटेड सिक्स के कौमांतरी मनुखी सहायता के डायरैक्टर गुरविंदर सिंह ने पोलैंड अपने एक वॉलंटियर के हवाले तो यह जानकारी दी है। गुरविंदर सिंह ने दसा कि शरणार्थियों को राहत सेवा मुहैया करवाने लिए उन्होंने पोलैंड मेडिकल सरहद उत्ते एक कैंप लगाया और वार जोन तो बच के शरणार्थियों को राहत सेवा मुहैया करवाई जा रही है। यूनाइटेड सिख संस्था के बयान मुताबिक उन्होंने फूड ट्रक 2000 शरणार्थियों रोजाना भोजन और होर मदद मुहैया करवा रहा है। उत्तर प्रदेश में हुंजा फिर जित मगरों योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की है। मनिया जा रहा है कि यूपी में नवी कैबिनेट के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्री योगी नाल मुलाकात हुई है। इस तो पहला दिल्ली में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नाल मुलाकात की। दस दिए कि भाजपा ने 37 साल बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार की वापसी का इतिहास बनाया। कुल 403 सीटों वाले सूबे में 202 सीटों के बहुमत तो किते वध 269 सीटां जित के भाजपा ते सहयोगी पार्टियां ने विरोधी ते समाजवादी पार्टी ते उसदे सहयोगी पार्टी नूं बुरी तरह पछाड़ दिता है। पंज सूबियां विच मिली करारी हार तो बाद दिल्ली विच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी, संसद मैंबर राहुल गांधी ते जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे। उन्होंने तो इलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, साबका केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, हरीश रावत, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी वर्गे कई नेता भी बैठक पहुंचे। इस दौरान पांच सूबों में कांग्रेस की हार के कारणों उत्ते मंथन भी किया गया। कांग्रेस के सीनियर नेतावान ने सोमवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सैशन लिए पार्टी की रणनीति उत्ते चर्चा की। बराबर विचारधारा वाली पार्टियों मिलकर जनहित जुड़े अहम मुद्दे चुकने का फैसला किया है। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक पार्टी प्रधान सोनिया गांधी की रिहायश उत्ते हुई। राज्यसभा में विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक तो बाद पत्रकारों से गलबात की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि असी सोमवार तो शुरू हो रहे संसद के बजट सैशन में चुके जाने वाले मुद्दों उत्ते चर्चा की है। उन्होंने कहा कि असी सैशन दौरान जनहित जुड़े अहम मुद्दों चुकने लिए बराबर विचारधारा वाली पार्टियों तालमेल बना के काम करांगे। दस दिए कि बजट सैशन का दूजा भाग सोमवार तो शुरू हो रहा है जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा। पंजाब विच बंपर जित तो बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते पंजाब दे होण वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब वासियों का धन्नवाद करने लिए गुरु नगरी अमृतसर विच धन्नवाद पंजाब रोड शो किया। रोड शो कढ़ने लिए आगू अमृतसर के कचहरी चौंक विच पहुंचे। दोवें आगू ट्रक उत्ते सवार होए अते उन्हां दे पिछे वर्करां की लंबी कतार लगी रही। इस मौके वड्डी गिणती आप वर्कर मौजूद रहे। इस रोड शो विच पार्टी नेता मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। जांदे जांदे नज़र मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते। सो फास्ट न्यूज़ भी इन्ना ही, तुम वेखते रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।